Now let's study for each loop. Which loop will be studied now? तो for each के लिए पहले for loop आना चाहिए अच्छे से. तो कोई भी array का मुझे length निकालना है, कोई भी array को चाहिए आपको, है क्या नहीं? हाँ. तो अगर ये array है मेरा चार size का, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इसका? लेंथ फाइंड करना है. तो उसके लिए अपने पास लेंथ फंक्शन है. क्या फंक्शन है? तो ये एरे है न्यू इंटीजर्स का और ये उसके वैल्यूज है. तो अगर आप एरे बनाते वक्त ही वैल्यूज दे रहे हो तो आपको साइज देना ऑप्शनल बन जाता है. तो ये साइज देना ऑप्शनल है. आप चाहो तो साइज को स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको देना है तो आप दे भी सकते हो, आपके ऊपर है. ठीक है. अब मुझे इस एरे का सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एक सम वेरिएबल लेना पड़ेगा और फॉर लूप विल, हाउ विल द फॉर लूप स्टार्ट? फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर का लेंथ और आई प्लस प्लस, है ना? और फिर क्या करेंगे हम लोग? सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR of I, है ना? और फिर बाहर आके क्या कर देंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन सम, है ना? तो यहां पर लेंथ निकालना मैंडेटरी है. अगर आपको लेंथ मालूम नहीं है तो आपका आप नहीं फाइंड कर सकते, है ना? तो अगर मुझे बगैर लेंथ निकाले एरे का सम करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए है फॉर ईच लूप. उसके लिए क्या है? फॉर ईच लूप. तो फॉर ईच लूप में आप, है ना, एरे का लेंथ निकाले बगैर काम कर सकते हैं. समझ में आ रहा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम. आजा ये 10 मिनट बाद, 10 मिनट साहब, 10 मिनट. तो फॉर ईच में क्या होता है? आपको एरे का साइज मालूम करना कंपलसरी नहीं है. तो फॉर, अभी देखो इंटीजर आई इन ए आर आर, चूंकि एरे किस टाइप का है? एरे किस टाइप का है? इंटीजर. तो इसके लिए आई वेरिएबल भी किस टाइप का होगा? और हर इटरेशन में ना, हर इटरेशन में वो ए आर आर में से एक एक नंबर लेगा और आई में डालते जाएगा. तो फर्स्ट इटरेशन में आई के अंदर क्या वैल्यू रहेगा? फर्स्ट इटरेशन में 10, सेकेंड इटरेशन में 20, थर्ड इटरेशन में 30. अब जितने भी एरे के नंबर्स हो, अगर 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, वो लूप चलता रहेगा. समझ में आया? हाँ. तो अभी हम इसको एड, तो ये मैंने एडिशन किया है कौन सा यूज करके? फॉर लूप यूज करके. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 100. आया आउटपुट 100? यस. बट फॉर दिस मैंडेटरी आई हैड टू नो द लेंथ ऑफ द एरे. अब अगर मुझे लेंथ नहीं मालूम है तो फॉर ईच वेरिएबल किस टाइप का लेंगे? और किस में लेंगे? और सम में क्या ऐड करेंगे? और मैंने अभी लिख दिया फॉर ईच, ताकि मालूम पड़ जाए कि ये फॉर ईच से हुआ है. सम प्लस ए आर आर आएगा ना सर? नहीं, सम प्लस आई आएगा ना, क्योंकि एरे का एक एक एलिमेंट आई में आ रहा है ना. एरे का एक एक एलिमेंट कौन से वेरिएबल में आ रहा है? तो इसके लिए आई भी किस टाइप का होना चाहिए? जिस टाइप का एरे है. समझा? तो ये है फॉर ईच. क्लियर? हाँ.